सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको झारखंड के कोडरमा रेलवे जंक्शन की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोडरमा रेलवे जंक्शन पूर्वी भारत के झारखंड राज्य में और कोडरमा जिला के कोडरमा शहर में स्थित झारखंड के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। यह जंक्शन कोडरमा जिला का और आसपास के इलाके का एक बहुत ही खास रेलवे जंक्शन है, जो रेलवे नेटवर्क के माध्यम से भारत के अधिकतर शहरों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस रेलवे स्टेशन का कोड है KQR। कोडरमा रेलवे स्टेशन एक कैटेगरी रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आता है। इस रूट से चलने वाली ज्यादातर रेलगाड़ियों का इस स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है। कोडरमा रेलवे जंक्शन झारखंड का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 100 वर्षों के अधिक समय से कोडरमा जिला वासियों के लिए और आसपास के यात्रियों के लिए सर्विस प्रदान कर रही है। यह जंक्शन धनबाद डिवीजन का एक बहुत ही खास रेलवे स्टेशन है, जो हावड़ा दिल्ली लाइन पर, हावड़ा इलाहाबाद मुंबई लाइन पर और कोडरमा हजारीबाग रांची लाइन पर स्थित होने की वजह से यह स्टेशन अपने आप में काफी व्यस्त है। कोडरमा रेलवे जंक्शन का गठन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय किया था जिस समय हावड़ा को दिल्ली से जोड़ा जा रहा था। ठीक उसी दौरान कोडरमा रेलवे जंक्शन का भी गठन किया गया था। आपको बता दें, हावड़ा और नई दिल्ली को जोड़ने वाली ग्रैंड क्रूड रेल लाइन कोडरमा जंक्शन से होकर गुजरती है। वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हावड़ा से गया और गया से दिल्ली रेल लाइन को साल 1906 में खोला था, जिसकी दूरी लगभग 1449 किलोमीटर है। हावड़ा से इलाहाबाद, इलाहाबाद से मुंबई रेल लाइन को साल 1870 में खोला गया था, जिसकी दूरी लगभग 2127 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोडरमा से हजारीबाग, हजारीबाग से रांची रेल लाइन को साल 2015 से साल 2018 के दौरान खोला गया था और कोडरमा से गिरिडीह रेल लाइन को साल 2019 में खोला गया था। जानकारी के लिए बता दें, कोडरमा रेलवे जंक्शन से चार रेलवे लाइनें निकलती है। पहला गिरिडीह रेलवे स्टेशन, दूसरा हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन, तीसरा तिलैया रेलवे स्टेशन और चौथा गया रेलवे स्टेशन को सीधे आपस में जोड़ती है। इलेक्ट्रिफाई की बात करें तो हावड़ा से गया और गया से दिल्ली रेल लाइन को साल 1960 से साल 1966 के दौरान इलेक्ट्रिफाई किया गया था। कोडरमा रेलवे जंक्शन भारतीय रेलवे के इस सेंट्रल रेलवे जोन के धनबाद रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। 5 नवंबर साल 1951 में कोडरमा रेलवे जंक्शन को धनबाद रेलवे डिवीजन का हिस्सा बनाया गया था। कोडरमा रेलवे जंक्शन की ऊंचाई समुद्र तल से 398 मीटर तकरीबन 1306 फुट के करीब है। कोडरमा रेलवे जंक्शन में टोटल 8 प्लेटफॉर्म शामिल है। इस स्टेशन से रोजाना तकरीबन 50,000 से ज्यादा यात्री सफर करते हैं और लगभग 90 रेलगाड़ियों से ज्यादा इस स्टेशन के माध्यम से शुरू होती है, समाप्त होती है और गुजरती है। कोडरमा रेलवे जंक्शन के माध्यम से कुल मिलाकर 81 रेलगाड़ियां रोजाना इस स्टेशन पर रुकती है और 5 रेलगाड़ियां रोजाना इस स्टेशन के माध्यम से बनती है और समाप्त होती है। कोडरमा रेलवे जंक्शन में यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग, यात्रियों के लिए वेटिंग रूम, रिजर्वेशन काउंटर, फूड स्टॉल और पुस्तक की स्टॉल जैसी सुविधाएं इस स्टेशन पर उपलब्ध है। कोडरमा रेलवे जंक्शन हावड़ा दिल्ली ग्रैंड क्रूड लाइन पर, हावड़ा इलाहाबाद मुंबई लाइन पर, कोडरमा हजारीबाग रांची लाइन पर, कोडरमा गिरिडीह लाइन पर और कोडरमा तिलैया लाइन पर स्थित है। दोस्तों, कोडरमा रेलवे जंक्शन के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।